धन्यवाद। जोहार आपका। मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के समर्थन में खड़ा। मैं चार लाइन से इसकी शुरुआत करता हूं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख रहे हम मिलकर नई कहानी। हम है हिंदुस्तानी, हम है हिंदुस्तानी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा सस्वर जो है गाया जी सर। अब संघ के स्वयंसेवक हैं, गीत चलता है, गीत गाते हैं। भारतीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अभी सुधारों का दौर चल रहा है, इसलिए मैं कई गलतियों को सुधारने का अवसर हम सबको मिल रहा है। हमें गौरव है कि आजादी की इस अमृत काल में हम इन सुधारों के साक्षी बन रहे हैं। अभी कल ही माननीय गृह मंत्री जी ने भारतीय कानून व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और 100 साल से पुराने ऐसे कानून, जटिल कानून, उनको ध्वस्त किया। और यह भारतीय न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी कदम है। जहां हम लोगों को सिर्फ दंड देते थे, अब दंड नहीं, अब न्याय मिलेगा। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी का, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखेंगी। उन पीढ़ियों को हम एक सुलझा हुआ मजबूत लोकतंत्र भारत देंगे और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब भारत अपनी आजादी की 100 साल 2047 में मनाएगा, तब हम हो न हो परंतु हमारी पीढ़ियां हम पर गर्व करेंगी। और यह विश्वास है, हमें गर्व भी है। हमारी पीढ़ियां यह कहेंगी कि देश को ऐसा एक प्रधान सेवक मिला था जिसने सदियों, दशकों की गुलामी और गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकालने का प्रयास किया था। उनको यह भी जानने का अवसर मिलेगा कि वर्षों तक सरकारों ने किन मजबूरी तक, किन क्या मजबूरियां थी, किन 70 सालों तक लगातार इन मजबूरियों को ढोया। इन सरकारों ने अधिकतर समय कांग्रेस ने इस पर शासन किया, क्यों ढोते रहे, यह आने वाली पीढ़ी पूछेगी। यह गुलामी की मानसिकता और गुलामी की जंजीरों को खींचने का काम आज हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन बैठकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको यह अवसर दिया कि मैं आह्वान करता हूं विपक्ष के साथियों, आइए आजादी की अमृत काल में ऐतिहासिक सुधारों को गवाह बनिए। नए भारत के नवनिर्माण की बुनियाद रखी जा रही है। इस महायज्ञ में आप भी आहुति डालिए। यह यज्ञ में विध्वंसक मत बनिए, आप आहुति डालिए, आप भी पुण्य के भागीदार होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त विधेयक भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार की दिशा में उठाया एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है। इसलिए मैं कहता हूं कि आइए इस विधेयक का समर्थन करिए। इस विधेयक निश्चित रूप से भारतीय निर्वाचन व्यवस्था न सिर्फ बदलाव करेगा बल्कि नए प्रयोग द्वार खोलने का काम भी करेगा। यह जो विपक्ष के लोग जो हल्ला कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं इतने वर्षों तक बदलाव किया, सबसे अधिक समय तक आपने शासन किया, आपने बदलाव की जरूरत क्यों नहीं समझी? आप क्यों, आप लोकतंत्र नहीं चला रहे थे, आप राजतंत्र चला रहे थे, आप परिवार चला रहे थे, आप परिवार चला रहे थे, क्योंकि आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं, क्योंकि आपको एक परिवार के भरोसे पूरे देश का संचालन करना था। किंतु अब वह दिन लद गए, अब वह दिन पूरे हो गए, अब तो मोदी की गारंटी वाला देश है, यह मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी आज पूरा देश चल रहा है। इस गारंटी में भारत का लोक भी सुरक्षित है और भारत का लोकतंत्र भी सुरक्षित है, यह मेरा पूरा विश्वास है। लोकतंत्र के हर घटक का सम्मान और मोदी की गारंटी, सोचने वाली बात है सभापति महोदय, सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों इतने वर्षों तक कांग्रेस को यह सब याद नहीं आया। विपक्ष को सम्मान दिया जाए। आज पूरा देश देख रहा है कि किसने लोकतंत्र की हत्या की है, किसने लोकतंत्र को बर्बाद किया है, किसने लोकतंत्र की मर्यादा को, लोकलाज से लोकतंत्र चलता है, किसने लोकलाज को अलग हटाया है, किसने लोकलाज को सम्मान नहीं दिया। लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र का स्थापित करने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया। सभापति महोदय, इस विधेयक के नेता प्रतिपक्ष की भागीदारी होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के हर घटक को सम्मान दिया।
लोकतंत्र के लिए जितना जरूरी सत्ता पक्ष होता है उतना ही जरूरी विपक्ष होता है, परंतु विपक्ष का रवैया सकारात्मक नहीं है। विपक्ष इस मुद्दे से भटकाव चाहता है। विपक्ष का रवैया बहुत लोकतंत्र के लिए घातक है। सभापति महोदय, देश सकारात्मक की राजनीति की तरफ बढ़ चुका है। देश अब सकारात्मक चाहता है, देश अब परिणाम चाहता है, देश अब गारंटी चाहता है, देश अब विकास चाहता है। देश झूठे आश्वासन नहीं चाहता, देश झूठे भाषण नहीं चाहता। वह दिन लद गए जब नेताजी आते थे, बोलकर चले जाते थे और कुछ हो नहीं पाता था। आज देश 140 करोड़ देशवासी देख रहे हैं कैसे मोदी की गारंटी और जो जो वायदे देश से, जो जो वायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, एक एक वायदा धरातल पे उतर रहा है। इसीलिए 140 करोड़ देशवासी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। सभापति महोदय, आजादी के इस अमृतकाल में यह भारत गारंटी चाहता है और मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की हर जनता को गारंटी देना और उस गारंटी पे गारंटी को पूरा करने का काम किया है जी। इतिहास बदल रहा है सभापति महोदय, इतिहास बदल रहा है। विपक्ष भी खुद को बदले, अब इनके इशारे पर नहीं चल रहा देश, क्योंकि जनता पहचान गई है इनका भेष। क्योंकि अब तक इतिहास रहा है केंद्र सरकार के मुखिया ही अब चुनाव आयुक्त का चयन करते थे। हम समझ सकते हैं कितने दिनों तक लोगों ने क्या क्या किया है। यही वजह है कि आज इन्हें सुधारों से बेचैनी हो रही है। आज मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए बनने वाली चयन समिति में प्रतिपक्ष के नेता को स्थान दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के इशारों पर चलने वाले और इशारों पर चलाने वाले, इनका इशारा अब नहीं चल रहा है। बेचैनी यह है कि परिवार पूरे देश चलाता था, इनके इशारे पर देश चलता था और इशारा नहीं चल रहा है, तो देखिए यह पूरा विपक्ष खाली है। 2024 में यह पूरा विपक्ष यहां से गायब हो जाएगा। देश की जनता 2024 में तैयार बैठी है। उन्हें बेचैनी इस बात की बिल्कुल नहीं है कि मोदी सरकार के देश के लिए कुछ कर रही है, बेचैनी इस बात की है कि मोदी सरकार को यह सब करते हम रोक नहीं पा रहे। देश की जनता अपने प्रधान सेवक को चुना है और इस देश की जनता को अपने प्रधान सेवक पर 100% विश्वास है, 100% विश्वास है। इस विधेयक पर विपक्ष की आपत्ति के पीछे ही कहानी है। इसका मन अब जैसा था वो हमारे बारे में वैसे ही सोचते हैं। बात बहुत पुरानी नहीं, 1996 में चुनाव आयोग की नियुक्ति के प्रकरण को याद करें तो यह समझ जाएगी यह लोग क्या करते थे। आज जब यह विधेयक लोकसभा में लाया जा रहा है, इसके जाने के लिए चर्चा की पूर्व जो हंगामा इन्होंने किया, इसके पीछे मानसिकता यही है कि देश के लोकतंत्र पर इनको विश्वास नहीं। किंतु 140 करोड़ देशवासी मोदी की गारंटी चाहते हैं, मोदी की गारंटी है। अब जो आप में आज से पहले नहीं हुआ वैसा कुछ हम करने वाले हैं। यहाँ जो भी होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा, इसलिए आप निश्चित रहिए ये मोदी सरकार की गारंटी है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए ये कहता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। श्री असदुद्दीन।